दरभंगा नगर निगम सहित पूरे बिहार में जहां जहां नगर निगम चुनाव होना है वहां चुनाव प्रचार थम गया है। अंतिम दिन होने के कारण दरभंगा में विभिन्न वार्डों में एवं मुख्य सड़कों पर जो प्रत्याशी हैं अपने समर्थक के साथ जुलूस निकाले, वहीं बड़ी संख्या में इसमें जो उनके समर्थक हैं एवं मतदाता हैं उस जुलूस में भाग लिए। यह दृश्य है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 का। इस वार्ड में प्रत्याशी हैं बेला देवी, इनके समर्थन में सैकड़ों महिलाओं ने रैली में शामिल हुई एवं समर्थन में जो लोकगीत हैं वो भी गाई। वहीं कई मतदाताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये जो बेला देवी हैं वो लगातार समाज के बीच में रहते हैं, कभी भी उपलब्ध रहते हैं, इनके प्रति हम लोग का पूरा समर्थन है और इस बार भी जीत इन्हीं की होगी। जो दृश्य आप देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बेला देवी हैं उनके जो मतदाता हैं उनके वार्ड के उनके प्रति उनका कितना लगाव है। जो इनके समर्थन में करीब 3 से 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र है महिलाओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर भ्रमण किया एवं उनके समर्थन में नारेबाजी की एवं गीत भी गाया। कई मतदाताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनमें जो खासियत है वो बहुत वार्ड पार्षद में नहीं है, ये हमेशा उपलब्ध रहती है, जो समस्या होता है उस समस्या का निदान करती है, इस बार भी जीत उन्हीं की हो गई, कई मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया। वहीं इनकी क्या खासियत है सुनिए कई मतदाताओं ने क्या कहा। वहीं जो सैलाब देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके प्रति लोगों का कितना झुकाव है, कितना लगाव है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। कई मतदाताओं से हमारी बात हुई तो इस मतदाताओं ने क्या कहा सुनिए उन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। बिछवाड़ की नेता कहती हो, बिछवाड़ की नेता कहती हो, टेम्पू चाप जिंदाबाद, टेम्पू चाप जिंदाबाद, गौरी बड़े जिंदाबाद, बेला देवी जिंदाबाद। Yeah.
कहिए कि ये कौन सा वार्ड है, मुख्य सड़क के बगल में कौन सा वार्ड है? 20 वार्ड है। इस वार्ड के संबंध में आपका क्या कहना है? बेला देवी। बेला देवी में क्या कुछ खासियत है कि लोग उन्हीं को पसंद करते हैं? जो मिलने जाता है अपना काम लेके उसका काम करता है। काम करता है तो क्या माना जाए, इस बार उनकी जीत होगी? वही जीतेगा। परमानेंट जीतता है। परमानेंट जीतता है। तो देखिए, एक मतदाता से भी हमारी बात हुई इस रैली के क्रम में, जब ये बैठे हुए थे तो इन्होंने कहा कि बेला देवी ऐसी कैंडिडेट है जो लोगों की बात सुनते हैं और वो परमानेंट उनकी जीत होगी। उनका काम सही है। फोटो भी ले रहे हैं। बोलिए, आप बोलिए ना, बोलिए। काम सही है इसलिए पब्लिक चाह रही है। आज जो भीड़ है, ऐसे भीड़ नहीं होता। कुछ अच्छा कर्म है तो इनके साथ पब्लिक है। इनमें क्या कुछ खासियत है कि इतनी भीड़ है इनके जुलूस में? अच्छा काम करता है। बोलिए ना, काम अच्छा। ये हमारे जो काम अच्छा करते हैं, नेता अच्छे नेता हैं। हम लोग इसलिए इनका सपोर्ट करते हैं। अच्छे आदमी हैं, काम अच्छा करते हैं। और कुछ जानना है सर आपको? क्या कहेंगे आप, क्या कुछ इनमें खास है? बताइए, क्या कुछ इनमें खास है कि काफी भीड़ है इनके जुलूस में और लोग इनको चाहते हैं और हर बार ये जीतते हैं? देखिए, दरभंगा वार्ड नंबर 20 में गौरी और गौरी के पत्नी बेला देवी ही एक ऐसी सदस्य है और सदस्य रहेगी कि इस वार्ड में जिसको भी जब भी अगर जरूरत पड़ा है तो ये तत्पर रही है और वार्ड में काम किया है। इसलिए ये लोकप्रिय में से लोग माना जाता है। मिस्का टोली जटियाही लाल मोहल्ला, ये मोहल्ला का लोग 80% लोग इसके हक में रहता है। वोट के ही मामले में नहीं, हर मामले में, क्योंकि हर मामले में कम से कम नहीं 180% आदमी को इसके शक्ति साधन के मुताबिक ये उसकी पूर्ति होता है। जहाँ विकास की धारा होती है वहाँ विजय होती ही है। और ये हमारे इतना देख रहे हैं, ये विकास का नजारा है। जो 5 साल में और भी वार्ड में घूमिए वहाँ कहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस वार्ड में घूमिए हर रोड हर नाला आपको सही स्वस्थ और बना हुआ मिलेगा। बेला देवी जिंदाबाद, बेला देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे, क्या कुछ खास है इनमें कि लोग इनको इतने चाहते हैं? चाहते इसे काम प्यारा है। चाहने का ये है कि काम अच्छा, काम इतना अच्छा कर रहे हैं और सबको मिला के चलता है। अमीर हो गरीब हो, सब भेदभाव कुछ नहीं है, सब में एकता बनाया हुआ है, भाईचारा बना हुआ है और सबसे बड़ा बना हुआ है इंसानियत। काम अच्छा, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है इसमें, यानी कोई जात भाव नहीं, कुछ नहीं है इसमें। सबसे बड़ा है इंसानियत गौरी भैया में, बेला में देवी में, कि सबको लेकर के चलता है। ये जात भाव नहीं है।